आपने नाम लिया अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और भी कुछ शंकराचार्यों जी का नाम लिया, मैं पहले सम्मान करता हूँ, पूज्य संत हैं, संत होने के नाते मैं उनको बार बार साष्टांग दंडवत और प्रणाम और करता हूँ, लेकिन दोबारा क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ। जिस प्रकार से आज एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये माहौल उस समय में इन्होंने क्यों नहीं बनाया था? जब इतने दिनों तक भगवान राम टेंट में थे, उस समय में इन्होंने माहौल क्यों नहीं बनाया था? जब खर्यंतकारी कालनेमी जब भगवान राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे, तब ऐसा माहौल उन्होंने क्यों नहीं क्रिएट किया था? हमारे शंकराचार्य, मेरे शंकराचार्य से सवाल है, मैं राजनेताओं से सवाल नहीं पूछ सकता। राजनेताओं से पूछेंगे तो कहेंगे राजूदास बीजेपी का प्रवक्ता है, इसलिए दुखित होकर राजूदास पूछ रहा है। राजूदास को चुनाव लड़ना है, टिकट लेना है, इसलिए बीजेपी को खुश करने के लिए मुझसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन मैं अपने आचार से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अपने जगतगुरु से सवाल पूछ रहा हूँ। आदि शंकराचार्य जी को मैं, उनके जो अभी वारिश है, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे बड़ा गहरा आघात पहुँचा ये शब्द सुन करके जो चंपत जी ने कहा है। और अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी से मैं निवेदन करता हूं अयोध्या की ओर से कि वो अपने शब्द वापस ले लें। इस समय किसी को दुखी करने, जब आप समाजवादी पार्टी को जो है तो निमंत्रण भेज सकते हो, जब आप बाबरी पक्षकार को निमंत्रण भेज सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबको बुलाइए। लेकिन अगर शंकराचार्यों को तकलीफ है तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने शब्द वापस लें, आप अपना प्रतिनिधि भेज करके उनसे कहें कि मुझसे गलती हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम इस वक्त अयोध्या में हैं। अयोध्या में हम इस वक्त इंडिया टुडे ग्रुप के उस बस पर सवार हैं जो कि इस पूरे अयोध्या शहर का भ्रमण कर रही है। अपने दर्शकों के लिए हम अयोध्या शहर को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मुद्दा है आज वो बड़ा मुद्दा है कि अयोध्या किसकी है, क्योंकि चंपत राय जो कि महासचिव हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद से विवाद हो गया। उन्होंने कह दिया कि अयोध्या और राम मंदिर रामानंदी संप्रदाय का है, ये शाक्त और शैव का नहीं है। और इस पर एक बड़ी बहस इस वक्त शंकराचार्य और साधुओं के बीच छिड़ी हुई है। लेकिन हम इस वक्त जब अयोध्या की सड़कों पर घूम रहे हैं, हमारे साथ अयोध्या के कई साधु संत मौजूद हैं। हालांकि ये सब के सब रामानंदी संप्रदाय के हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तब फिर ये विवाद क्यों, और आखिर इस विवाद का हल क्या है। तो पहले आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज हैं जो कि जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज हैं जो कि रामानंदी संप्रदाय के यहाँ सबसे बड़े महंत हैं। हमारे साथ राजू दास जी हैं और राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं। और हमारे साथ जगतगुरु परमहंस जी महाराज हैं जो कि ये तमाम वो साधु संत हैं जो कि अयोध्या में और कम से कम इस अवध के इलाके में, देश में इनकी पहचान बड़ी है। बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत स्वागत है आप लोगों का महाराज जी। आप लोग ये बताइए सबसे पहले आपसे कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, क्या अयोध्या सिर्फ रामानंदी संप्रदाय के लोगों की है, क्या राम मंदिर सिर्फ रामानंदी संप्रदाय का है, शाक्त शैव वैष्णव बाकी बहुत सारे संप्रदाय हैं उनका क्यों नहीं? नहीं, मंदिर सबका है, केवल किसी एक संप्रदाय का नहीं है। पर जो बात चंपत जी ने कहा है वो ये कहा है कि इस पे जो अधिकार है, पूजा पद्धति जो है वो रामानंदियों की होगी। मुझे लगता है कि ये बात कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि जब यहाँ विवादित ढांचा था तब भी इस पर जो आधिपत्य था वो निर्मोही अखाड़े का था। और हमारे यहाँ तीन अखाड़े वैष्णव के कहे जाते हैं, निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही। तो निर्मोही अखाड़े के लोग वहाँ पर पूजा करते थे उस विवादित ढांचा के अंदर भी। और उसके बाद हमारे यहाँ जब उस न्यास का निर्माण हुआ तो उसमें लिखा गया कि जो न्यास का अध्यक्ष होगा वो जो पदेन जगत गुरु होगा, जो रामानंद संप्रदाय का जगत गुरु आचार्य होगा उस न्यास का अध्यक्ष होगा। तो स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज उस पदेन अध्यक्ष बने और उन्होंने ही विश्व हिंदू परिषद को वहाँ खड़े होने के लिए और उस मंदिर के पुनरुत्थान के लिए, उसके लड़ाई के लिए उन्हें मनोनीत किया गया।
तो उनका जो कहना है कि ये रामानंदी संप्रदाय के लोगों का है, पूजा पद्धति उनकी पद्धति से होगी, क्योंकि लगभग 99% रामानंदी साधु अयोध्या में रहते हैं और जिनका ध्येय गेय और प्रमेय तीनों भगवान श्री राम है, जिनका दर्शन है जिसका नाम है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दर्शन। और रामानंदाचार्य स्वामी लगभग 550 वर्षों के पूर्व हमारे प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने रामानंद संप्रदाय की स्थापना किया, जहां पर उन्होंने एक मंत्र दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। मंदिर सबका है, सबको आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सबने संघर्ष किया इसके लिए, पर उसकी जो पूजा पद्धति है, उसका उसकी जो मूल संरचना है, वो रामानंदीय संप्रदाय और रामानंदीय वैष्णव का है। लेकिन विवाद इतना हुआ है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे जो संत हैं, उन्होंने साफ साफ आने से मना कर दिया है। राजू दास जी, आप कैसे देखते हैं, इतना बड़ा उत्सव है और कई शंकराचार्य आने से मना कर दें, बड़े बड़े संत आने से मना कर दें? पहले तो मैं मंगल कामना करता हूँ आपके यूपी तक से आज तक पर। और अभी दो महान विभूतियों का आपने जो परिचय कराया, ये वैसे ही महान विभूति हैं जैसे शंकराचार्य हैं। हमारे रामानंद संप्रदाय में हमारे यहाँ जो ये जगत गुरु हैं, जैसे आज सन्यासियों में जैसे शंकराचार्य जी हैं, जैसे शंकराचार्य गुरु जैसे शंकराचार्य जी हैं, उसी प्रकार से रामानंद संप्रदाय में दोनों हमारे आचार्य हैं, जगत गुरु हैं। तो आपने कहा कि अयोध्या के संत ये महंत ने, ये हमारे पूरे रामानंदी संप्रदाय के जगत गुरु हैं, जैसे वो शंकराचार्य हैं वैसे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जैसे आपने नाम लिया अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और भी कुछ शंकराचार्यों जी का नाम लिया, मैं पहले सम्मान करता हूँ, पूज्य संत हैं, संत होने के नाते मैं उनको बार बार साष्टांग दंडवत और प्रणाम और करता हूँ, लेकिन दोबारा क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ। जिस प्रकार से आज एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये माहौल उस समय में इन्होंने क्यों नहीं बनाया था, जब इतने दिनों तक भगवान राम टेंट में थे, उस समय में इन्होंने माहौल क्यों नहीं बनाया था, जब खर्यंतकारी कालनेमी जब भगवान राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे, तब ऐसा माहौल उन्होंने क्यों नहीं क्रिएट किया था? हमारे शंकराचार्य, मेरे शंकराचार्य से सवाल है, मैं राजनेताओं से सवाल नहीं पूछ सकता। राजनेताओं से पूछेंगे तो कहेंगे राजूदास बीजेपी का प्रवक्ता है, इसलिए दुखित होकर राजूदास पूछ रहा है, राजूदास को चुनाव लड़ना है, टिकट लेना है, इसलिए बीजेपी को खुश करने के लिए मुझसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन मैं अपने आचार से सवाल पूछ रहा हूं, मैं अपने जगत गुरु से सवाल पूछ रहा हूं। आदि शंकराचार्य जी को मैं, उनके जो अभी वारिस हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि महोदय, जब आप थे, सोनिया एंटोनो माइनो की सरकार थी, जब रामालय ट्रस्ट बना था राम जन्मभूमि की रक्षा सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए, तब आपने देश के कोने कोने में घूम कर सोना बटोरा था, वो सोना कहाँ है? नंबर एक। नंबर दो, पूरे रामालय ट्रस्ट के नाम पर पूरे देश और दुनिया से आपने हिंदुओं को छला, हिंदुओं को ठगा, हिंदुओं से पैसा कलेक्शन किया, वो धन कधर है, वो जगत गुरु जी बताइए। तीसरी बात, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके चरणों में दंडवत और प्रणाम करता हूँ, ये पीड़ा है, वेदना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मुझको नहीं बोलना चाहिए एक संतों के खिलाफ, मैं संतों के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन उनकी जो अभी की मानसिकता है, अभी की जो मानसिकता है, अभी की मानसिकता ये है कि मैं मंदिर नहीं आऊंगा, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने की अभी कौन जरूरत। मैं अभी एक वीडियो उनका सुन रहा था, पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का, उन्होंने कहा मंदिर बना ही नहीं, मंदिर ऐसे नहीं हुआ, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, पहले से प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति थी। आपने मंदिर का जिक्र कर दिया, तो हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए महाराज जी, तो थोड़ा अपने दर्शकों को बता दें, दाहिने तरफ बिरला मंदिर है, और ये बिरला मंदिर और धर्मशाला दोनों है जहां भगवान राम की मूर्ति और ठहरने का है, जबकि बाएं तरफ आप हमारे देखेंगे तो ये राम मंदिर है, वही भव्य राम मंदिर जिसका मुख्य रास्ता है और ये भक्ति पथ है। हम इस वक्त राम पथ पर हैं और ये भक्ति पथ सीधा राम मंदिर को जाएगा, और ये पूरी तैयारियों के दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं। ये मुख्य पथ है जहां पर कि जहां से कि जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो राम मंदिर की ओर जाएंगे, और तकरीबन 1 किलोमीटर का ये लंबा मार्ग है जिसमें श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हम राजूदास जी से बात कर रहे थे, और बिल्कुल इस राम मंदिर से सटा हुआ जो 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 इलाका है वो आपको हनुमान गढ़ी का है, तो हम आपको दिखाएं, हनुमान गढ़ी भी दूर दिखाई दे रहा है,
और हमारे साथ राजू दास जी जो वहाँ के महंत हैं, आप कुछ कह रहे थे? मैं इसलिए कह रहा था कि जो मेरे अंदर पीड़ा ये था कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद ये क्षण, ये पल, ये अवसर, तो आप सभी संतों को तो एक मत होकर करना चाहिए ना। राजनेता तो अपनी रोटी से, लेकिन चंपत राय जी को लेकर के कंट्रोवर्सी तो हो रही है ना, कि उनके बयानों से तो दुख पहुंच रहा है। ये जब मंदिर बन रहा है तब ऐसे ऐसे बयान की जरूरत? नहीं नहीं, मैं पुनः निवेदन करता हूँ, चंपत राय ने कोई गलत नहीं बात बोला है। चंपत राय ने वाकई में कहा कि हाँ ये राम मंदिर का गढ़ है, क्या बात करते हैं, ये राम मंदिर का गढ़ है, वो राम मंदिर संप्रदाय का राम जन्मभूमि मंदिर है, लेकिन भगवान राम सबके हैं। उस उन्होंने दूसरे भाव में कहा, जिस भाव में आदिगुरु शंकराचार्य के जो उत्तराधिकारी हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने, जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा उस भाव में उन्होंने कहा, क्योंकि कोई बात नहीं है, ये रामानंदियों का गढ़ है और हमारे रामानंद संप्रदाय के जो जितने धर्माचार हैं, जितने आचार हैं, खड़ दर्शन, एक व्यक्ति वहां पे नहीं आ रहा है, खड़ दर्शन शंभु भेष, सभी सभी मत मतांतर के मानने वाले सनातन के जितने भी पंथ हैं उनके सभी के आचार धर्मगुरुवार है पूज्य, तो इसके नाते आप जहाँ खड़े हो राम द्वारे तुम रखवारे हो, ना क्या बिन पैसा रे, सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी, हनुमान जी महाराज, ये देखिए अद्वितीय किला, इतनी ऊंची किला, उस किला से आप हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। देश और दुनिया से कोने कोने से राम भक्त और सनातनी आते और सभी राम भक्तों का कल्याण करते हैं। देखिए इतनी ऊंची इमारत, इतनी ऊंची किला, ऐसी ऊंची किला और कहीं पर नहीं है, इसलिए इतनी ऊंची किला है क्योंकि हनुमान जी राजा हैं और राजा के रूप में विराजमान है, राम रसिया है, राम भक्त हैं और राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसा रे, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और ये चारों अयोध्या के बीच गर्भगिरी में हनुमान जी महाराज का वास है और हनुमान जी महाराज लाखों भक्तों की सुनते हैं, उसकी मनोकामना का पूर्ण करते हैं। तो हमारे साथ जगत गुरु परमहंस महाराज जी भी हैं। महाराज जी, आपने भी दोनों लोगों को सुना, आप सभी लोग रामानंदी संप्रदाय से आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि चंपत राय जी ने जो बोला है ये उचित बोलने का वक्त था, ये बात सही है? देखिए, चंपत राय जी ने, हमें लगता है कि अपने पूरे जीवन में पहली बार उन्होंने भूल किया और बहुत बड़ी भूल किया है। ये सच है कि अयोध्या ये बैरागियों का ही केंद्र है, ये सच है कि वहाँ की पूजा पद्धति शुरू से लेके और अभी तक जो है रामानंदी परंपरा से ही चल रही है, लेकिन उनके जो शब्द थे कि राम मंदिर सैव साक्त का नहीं रामानंदियों का है, मेरे समझ से उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। चंपत राय जी हमारे बहुत प्रेमी हैं और मेरे पर बड़ी निष्ठा रखते हैं और मैं भी उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन चंपत राय जी ने इस समय जो शब्द कहा, राम मंदिर के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया, किसी एक संप्रदाय के प्रयास से राम मंदिर ये नहीं बन पा रहा है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया, क्या एक संप्रदाय के वोटर से भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है? इसमें सभी सनातनियों का प्रयास है। मैं रामानंदी हूं, लेकिन मुझे बड़ा गहरा आघात पहुंचा ये शब्द सुन करके जो चंपत जी ने कहा है, और अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी से मैं निवेदन करता हूं अयोध्या की ओर से कि वो अपने शब्द वापस ले लें। इस समय किसी को दुखी करने, जब आप समाजवादी पार्टी को जो है तो निमंत्रण भेज सकते हो, जब आप बाबरी पक्षकार को निमंत्रण भेज सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबको बुलाइए, लेकिन अगर शंकराचार्यों को तकलीफ है तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने शब्द वापस लें, आप अपना प्रतिनिधि भेज करके उनसे कहें कि मुझसे गलती हो गई है। देखिए, सभी सनातनियों का प्रयास है और सनातनियों, धर्म एक ही है सनातन धर्म, बाकी मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन धर्म एक ही है सनातन धर्म, और सभी सनातनियों के प्रयास से आज ये दिन शुभ घड़ी आ रही है। इसलिए चंपत राय जी ने पहली बार जीवन में भूल किया है और इसमें किसी तरह से ईगो और घमंड की जरूरत नहीं है, वो अपने शब्द को बाकायदा प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस लें, ये मैं अयोध्या वासियों की ओर से चंपत राय जी से मैं कहूँगा। और जो पूज्य शंकराचार्यों को ऐसा कष्ट हुआ है, ठीक है, देखिए उनका अपना जो कुछ भी रहा हो, ये भी सही है कि स्वामी जो है श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी थे, तो वो भी जो है तो नहीं, लेकिन आप लोगों को लगता नहीं है कि संतों में, शंकराचार्यों के बीच भी एक राजनैतिक खेमेबंदी हो चुकी? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, हम सभी सनातनी एक हैं, कोई नहीं है। कभी कभी जैसे होता क्या है कि साधु बहुत दयालु होते हैं,
संतों के पास देखिए कोई भी जाए, जैसे शंकर जी हैं, देवता भी जाते हैं, दानव भी जाते हैं, राक्षस भी जाते हैं, और जो गया शिव के दरबार में सबका जो है सबको आशीर्वाद मिलता है। तो संतों के पास किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति गया साधु भगा थोड़ी देगा, साधु सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं सब लोगों का प्रयास है राम मंदिर में, और ये कह देना कि यह शैव शाक्त का नहीं है ये गलत है, यह सबका मंदिर है, सबके निष्ठा का केंद्र है, संपूर्ण सनातनियों का राम मंदिर है। यही सवाल हम राजू दास जी आपसे, आप तो घोषित भाजपाई हैं अगर हम कहें तो, क्योंकि आप बीजेपी के लिए बोलते भी रहे हैं, बीजेपी के तरफ से ही बातें करते रहे, तो साधु संत बट नहीं गए हैं भाजपा में कांग्रेस में? बहुत सारे तो कांग्रेस के कहे जाते हैं कि जो शंकराचार्य हैं वो कांग्रेस ही हैं। नहीं नहीं, साधु किसी पार्टी के नहीं होता, किसी दल का नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं होता है। जैसे पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम सबके, कण कण में उनकी व्यापकता है, हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति आस्था है, निष्ठा है, प्यार है, प्रेम है, समर्पण है, उसी प्रकार से साधु सबके लिए हितकारी होते हैं। मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैंने तो यही विपक्षों से सवाल पूछे, मैंने पूछा कि आपकी इतने दिन शासन सत्ता सरकार थी तो भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, आज सनातन संस्कृति की सरकार बनी तो आज टाट से ठाट में भगवान जा रहे हैं। तब ये सवाल पूछ लेने के बाद अभिषेक जी हमको बीजेपी का प्रवक्ता साबित कर देते हैं। आज मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी महाराज से मैंने सवाल पूछे, महाराज जी पूज्य महाराज जी आपके चरणों में लेट कर साष्टांग दंडवत और प्रणाम, मेरा आपसे सवाल है क्या इन खड़ियंतकारियों की सरकार थी तब आप क्यों नहीं लड़ाई लड़े? आप चाहते तो आपकी पकड़ आपके सारे देश में कांग्रेस के नेता आपके शिष्य थे। ये तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है ना कि आप नहीं, आप कोई बटे हुए हैं? नहीं बटे, एकदम नहीं बटे, एकदम नहीं बटे, कोई साधु नहीं बटा है, कोई साधु नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी भी ने कहा कि मैं मानता हूं कि वो वहां व्यवस्था किसकी है, वैराग्यों की है। तो चंपत राय जी क्या कर रहे हैं? चंपत राय जी को तत्काल दे देना चाहिए ना, उसमें और भी उन्होंने सन्यासियों को बना के रखा है, उनमें और नेताओं को बना के रखा है, तत्काल। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी के पूज्य संत बाबा धर्मदास जी महाराज, जिनके गुरुजी ने 1949 में जब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा, जब वहाँ पे भगवान का प्रकट महोत्सव हुआ, तब से लेकर वो जो है वो वहाँ की लड़ाई वो पूजा पाठ सेवा कर रहे थे, उनको क्यों नहीं रखा? उनका कहने का मतलब ये था, विषय बटने का नहीं है, विषय ये है आपका, आपका मंदिर आपका है, भगवान महावीर जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है, और ये मुख्य रास्ता है हनुमानगढ़ी। एक समय हुआ करता था इस रास्ते से आप नहीं जा सकते थे, अभी मैं बस घुमा दूं आपकी तो बस आपकी चली जाएगी, ऊपर एक भी तार आपको मिला? मैं अब इसी पे सवाल पूछ लेता हूँ, जो बीजेपी का प्रवक्ता हमको जो राजनेता कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, राम जन्मभूमि पर बात और विवाद था, इस रोड पे कौन बादशाह विवाद था? इस पे तारों का झंझावात खत्म क्यों नहीं किया? इस तारों पे जिस प्रकार से रोड पे इतना खूबसूरत लाइट लगी हुई है, देखिये जिसमें कितना सुंदर प्रतीक चिन्ह बने हुए, अगर ये तब लग जाता तो दंगे हो जाते, बताते अरे ये धार्मिक चिन्ह स्थापित कर दिया। जब ये मैं सवाल पूछता हूँ तो आप बताते हो बीजेपी का प्रवक्ता है, आप बीजेपी के पक्ष लेते हो, साधु संत बढ़ चुके हैं, साधु संत की खेमा। अरे साधु संत सही बात बोलते हैं, लोगों का तकलीफ होता है, विषय ये है। इतने वर्षों के राम द्वारे तुम रखवारे होता गया, बिन पैसारे सत्सु ले तुम्हारे सामना, तुम रक्षक काहु को डरना, नासै रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। आप जब भी आए हैं उस द्वार को आपने दिखाया है, जिस द्वार पे लाखों राम भक्त डेली मत्था टेक कर अपने जीवन को धन करते हैं, वहां कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, हर व्यक्ति जाता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने मीरा को भी शिष्य बनाया, कबीर दास जी को भी शिष्य बनाया, रविदास जी को भी शिष्य बनाया, और उन्होंने छुआछूत ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म किए। उस समय में तमाम भेदभाव था। छुआछूत की बात हो रही है तो हम रामदिनेशाचार्य जी से पूछ लेते हैं, अभी जो शंकराचार्य हैं द्वारकाधीश के, उन्होंने एक बात कह दी, और उन्होंने कह दिया कि मोदी छुएंगे मूर्ति और हम बजाएंगे ताली, ये नहीं हो सकता, आप लोगों ने सुना? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अवसर पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। 500 वर्ष बीत गए और उसके बाद यदि अगर ऐसा समय आया है तो फिर यदि भगवान की मूर्ति का प्रतिष्ठा हो रहा है, और प्रतिष्ठा मोदी जी नहीं कर रहे हैं, मोदी तो कुछ क्षणों के लिए उसमें आएंगे और एक दर्शक की भांति। लोग कह रहे हैं ना कि साधुओं में भी इतने भेद हैं कि इस अवसर पर सबके सब बटे हुए हैं, सब अपनी बातें बोले जा रहे हैं। नहीं, भेद की बात नहीं, यहाँ तो लिखा है शास्त्रों में मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, जितनी खोपड़ी है उतने उतने विवाद हैं, तो वो तो होता रहता है, बड़ी बात नहीं है। पर इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, वाद विवाद से निकल करके संवाद की परंपरा को आगे बढ़ करके, और जैसे राम जी ने सबको स्वीकार किया है,
पूरा राष्ट्र एक साथ यदि किसी के छांव तले आकर उसका एकत्व हो सकता है तो भगवान श्री राम है और वो राम मंदिर है। चलिए तो हम इस वक्त अयोध्या की उस भक्ति पथ से पर मौजूद है, राम पथ पर मौजूद है और हम चाहेंगे कि एक भजन, चूंकि हमारे साथ तीनों रामानंदी संप्रदाय के बड़े महंत हैं, तो मान जी सुनाइए। अब हनुमान जी के पास से गुजर रहे हैं तो जानते हैं कि चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है, अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं, राम जी ने बनाया है। तो मैं एक लाइन यही कहूंगा, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इन तमाम रामानंदी संप्रदाय के संतों ने साफ 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 कह दिया कि कुछ बातें सही हैं लेकिन उसे गलत तरीके से कोट किया गया, बोला गया। हालांकि एक बात जरूर दिखता है कि इस वक्त जबकि राम मंदिर बिल्कुल तैयार है उद्घाटन के लिए, ऐसे में विवाद भी इन अयोध्या के संतों के बीच कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है।